दोस्तों, धोखेबाज और भू माफिया चीन की एक और घटिया हरकत सामने आई है, जिससे न केवल भारत की चिंता बढ़ गई है बल्कि भारत चीन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी मजबूर हो गया है। चीन की इस हरकत को देखकर ऐसा लगता है कि चीन की दूसरे देशों की जमीन कब्जाने की भूख कभी शांत नहीं होगी और वो अपनी धोखेबाजी और पैंतरेबाजी की नई नई चालें चलकर एक एक कदम और एक एक इंच जमीन कब्जाने में जुटा हुआ है। अपनी इसी रणनीति के तहत अब ड्रैगन ने भूटान की जमीन पर बॉर्डर से 12 किलोमीटर अंदर अपनी दूसरी नागरिक बस्ती को बसाया है। हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने भूटान की सीमा के अंदर सड़क और नागरिक बस्तियों का निर्माण किया है, जबकि इससे पहले मार्च जून 2017 में ढोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान चीन ने बड़े पैमाने पर भूटान की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन तब भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के कारण चीन को पीछे हटना पड़ा था। हालांकि ये ताज़ा मामला भूटान की जमीन को कब्जाने को लेकर है, मगर इसका बहुत बड़ा असर भारत पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि चीन चारों तरफ से सीमा पर अपनी मजबूत स्थिति बनाकर भारत को ही घेरने की तैयारी कर रहा है। फिर चाहे इसके लिए उसे नेपाल भूटान की जमीन कब्जानी पड़े या फिर किसी और देश की। ऐसे में बात करें कि इससे भारत की चिंता कैसे बढ़ने वाली है, तो बता दें चीन की ये नई बस्ती सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नज़दीक स्थित है। इस कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्वोत्तर से शेष भारत को कनेक्ट करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से साफ साफ पता चल रहा है कि चीन ने भूटान की अमोचू नदी के साथ लगने वाली जमीन का बड़ा हिस्सा हड़प लिया है। हालांकि भारतीय एजेंसियां और सेना भी चीन की हर चाल पर बारीकी से नज़र रखी हुई हैं, तो वहीं चीन ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नज़दीक ये नई बस्तियां बसाकर भारत के साथ हुए डोकलाम तनाव के दौरान एक महत्वपूर्ण समझौते को तोड़ा है, जिसमें दोनों देशों में सहमति बनी थी कि भारत दक्षिण में ढोकलाम नाला और चीन पूर्व में अमोचू नदी को पार नहीं करेगा। लेकिन चीन ने अब अपना वादा तोड़ते हुए अमोचू नदी के दूसरी तरफ बस्तियों का निर्माण किया है। हालांकि भू माफिया चीन को भारत ने सख्त चेतावनी दी थी कि वो इस इलाके में कोई हरकत करने का प्रयास ना करे, लेकिन पापी अधर्मी दुराचारी चीनी सेना ने उन सीमाओं को तोड़ते हुए न केवल भूटान की जमीन पर कब्जा जमा लिया है, बल्कि उसने अमोचू नदी पर एक पुल का निर्माण भी किया है, जो के गांव के लगभग 400 मीटर दक्षिण में स्थित है। ये पुल 40 से 45 मीटर लंबा और लगभग 6 मीटर चौड़ा है, जो के अमोचू नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ता है।